नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब से कुछ ही देर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुरू होने वाला है दूसरा वनडे, बे ओवल का ये दूसरा मुकाबला। न्यूजीलैंड की टीम यहां पर जीतना चाहेगी और भारतीय टीम बे ओवल पहुंची, वहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। प्लेइंग 11 को लेकर भी काफी तरह की बातें हुई। हार्दिक पांड्या भी न्यूजीलैंड पहुंचने वाले हैं, तो कई तरह की अपडेट्स आज हम आप तक लेकर आए हैं। इस विवाद जो हार्दिक और राहुल को लेकर जो विवाद हुआ, उस पर करण जौहर का क्या रिएक्शन था, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही कई ऐसी खबरें बताएंगे जो मैच से रिलेटेड है। बहरहाल देखना होगा कि गणतंत्र दिवस के पावन और सुनहरे मौके पर क्या भारतीय टीम अपने देश का झंडा ऊंचा कर पाती है या नहीं। और न्यूजीलैंड के पास भी वापसी का मौका है, 1-0 से भारत बढ़त बना चुका है नेपियर वनडे जीतकर। देखना होगा कि क्या कुछ होने वाला है आज के मैच में। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, ले चलते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट की ओर। देखिए क्या है आज की टॉप 5 स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द डे। टीम इंडिया को 2 विश्व कप जितवाने वाले स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जी, आपको बता दें कि डीवाई पाटिल T20 टूर्नामेंट 2019 के पहले ही मैच में युवराज सिंह का तांडव रूप देखने को मिला। युवराज सिंह ने 53 गेंदों में 80 रन ठोक दिए और इस पारी के साथ ही उन्होंने इतिहास रच दिया और कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिए कि इस बार विश्व कप का टिकट वो लेकर रहेंगे। हाल ही में ऑक्शंस के दौरान युवराज सिंह को IPL की टीम मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ की बेस प्राइस पर खरीदा था। ऐसे में युवराज के फैंस ये कयास लगा रहे थे कि अगर वो परफॉर्म करते हैं तो उन्हें वर्ल्ड कप का टिकट बहुत जल्द मिल सकता है। ऐसे में 53 गेंदों में 80 रनों की जानदार पारी खेलकर युवराज सिंह ने ये साबित कर दिया है कि अभी भी उनमें काफी क्रिकेट बाकी है। अब देखना होगा कि युवराज सिंह की ये पारी टीम इंडिया को क्या मजबूर करती है कि वो उन्हें टीम में ले, क्योंकि विश्व कप के लिए युवराज सिंह का होना जरूरी है, ज्यादातर लोगों का मानना है। भारतीय खिलाड़ियों के जहन में क्रिकेट फीवर हमेशा ही रहता है। फैंस इस खेल को बेहद पसंद करते हैं। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस और खूबसूरती की मूरत कैटरीना कैफ ने भी क्रिकेट के प्रति अपना प्रेम सबके सामने जाहिर कर दिया। कैटरीना ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो साझा किया जिसमें वो क्रिकेट खेलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। ये वीडियो सलमान खान और कैटरीना कैफ की आने वाली फिल्म भारत की शूटिंग के दौरान का है। दरअसल फिल्म की शूटिंग के कुछ वक्त निकालकर कैटरीना कैफ क्रिकेट खेल रही थी। कैटरीना ने भारत फिल्म के सेट पर अपने क्रिकेट खेलने का वीडियो शेयर करते हुए मजेदार कैप्शन लिखा था, पैकअप के बाद भारत के सेट से वर्ल्ड कप पास है, अनुष्का शर्मा शायद आप टीम के कप्तान से मेरे लिए कुछ शब्द कह सकती हैं, मेरे स्विंग में कुछ सुधार की जरूरत है लेकिन कुल मिलाकर खराब ऑलराउंडर नहीं हूं। अनुष्का के अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा भी इस बातचीत का हिस्सा बनी। IPL बेहद करीब है, ऐसे में प्रीति भी प्रतिभाओं की खोज में है। इस वीडियो को देखते ही प्रीति जिंटा ने इस पर कमेंट कर दिया। प्रीति जिंटा ने कैटरीना की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि IPL फ्रेंचाइजी किंग्स इलेवन पंजाब कैटरीना को हायर कर सकता है। कैटरीना इस कमेंट को देखकर खुश हुई और इसका जवाब भी दिया। IPL 2019 की नीलामी में सबसे बड़ी सनसनी बनकर उभरे अनजान खिलाड़ी और तमिलनाडु के रहस्यमय गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती पर 8 करोड़ 20 लाख रुपए की बोली लगी। चक्रवर्ती को पंजाब ने खरीदा। अभी तक वरुण ने लिस्ट ए के 9 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 22 विकेट लिए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक शानदार वनडे सीरीज खेली जा रही है, जहां पर नेपियर वनडे जीतकर टीम इंडिया ने 1-0 की बढ़त भी बना ली है। बता दें आपको कि यह सीरीज विराट के लिए काफी अहम है, क्योंकि इस बार सुनहरा मौका है भारत के पास न्यूजीलैंड को उसी की सरजमी पर हराने का। अब तक इन दोनों ही टीमों के बीच 7 वनडे सीरीज हुई है और 7 में महज 1 बार टीम इंडिया के हाथ जीत लगी है। वहीं पिछले 10 साल में भारत ने नेपियर में पहली बार न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराया। और बड़ी बात यह है कि इस बार सीरीज का दूसरा और तीसरा वनडे माउंट मंगनी बे ओवल में खेला जाएगा। बे ओवल का मैदान काफी ज्यादा ऐतिहासिक रहा है, नया मैदान है और यहां पर काफी ज्यादा रनों की बारिश होती है। बता दें आपको कि न्यूजीलैंड में हमेशा हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, भारत ने भी हाई स्कोरिंग रन्स किए हैं और वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी लंबे लंबे रन्स बनाती है। लेकिन जिस तरह से नेपियर में कोलैप्स देखने को मिला, न्यूजीलैंड का इंस्टेंट कोलैप्स, क्योंकि भारत की गेंदबाजी बेहद शानदार थी, ऐसे में माउंट मंगनी बे ओवल में भी देखने को मिलने वाला है दूसरा और तीसरा वनडे। क्या यहां पर रनों की बारिश होगी या फिर भारतीय गेंदबाज रनों पर अंकुश लगा सकते हैं, क्योंकि भारतीय गेंदबाज जबरदस्त फॉर्म में है। बल्लेबाजी में थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर की समस्या है, लेकिन धोनी के फॉर्म में वापस आने के बाद लगभग वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि न्यूजीलैंड दौरे पर क्या टीम इंडिया इस बार जीत दर्ज करके आएगी या नहीं।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने हाल ही में विराट को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर हर भारतीय फैन काफी खुश हो जाएगा। जी हाँ, बता दें आपको कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज और दिग्गज बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन के साथ रिकी पोंटिंग ने विराट कोहली की तुलना कर दी है। जी हाँ, खबरों की माने तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के लोकल अखबार को दिए हुए इंटरव्यू में साफ तौर पर पोंटिंग ने कहा कि मौजूदा दौर के विराट कोहली डॉन ब्रैडमैन तो हैं ही, लेकिन उनकी औसत भी काफी ज्यादा शानदार है। आपको बता दें कि विराट की मौजूदा वनडे औसत 59.64 है, उनसे ज्यादा अभी किसी बल्लेबाज की औसत है नहीं मौजूदा दौर में। ऐसे में ब्रैडमैन के नाम 99.96 का औसत रहा है, यानी कि विराट कोहली को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में तो शामिल पहले ही कर लिया गया था, लेकिन पोंटिंग की नजर में मौजूदा क्रिकेट की अगर बात की जाए तो विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो सर डॉन ब्रैडमैन को टक्कर दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि विराट का अग्रेशन और उनका पैशन ही उन्हें दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज बनाता है और तीनों फॉर्मेट का किंग बनाता है। इन दिनों टीम इंडिया के शानदार खब्बू बल्लेबाज सुरेश रैना टीम से फिलहाल बाहर चल रहे हैं। सुरेश रैना की फॉर्म तो अच्छी है, लेकिन चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट उन्हें मौका देने के बारे में दूर दूर तक नहीं सोच रही। ऐसे में विश्व कप 2019 बेहद करीब है और सुरेश रैना के लिए मौका है आईपीएल 2019। जी हाँ, आईपीएल 2019 23 मार्च से शुरू हो रहा है और सुरेश रैना किंग्स यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। हाल ही में खबरों की माने तो सुरेश रैना ने लोकल मीडिया को दिए हुए इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि इस बार वर्ल्ड कप उनका मेन फोकस है और वो वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाने के लिए हर तरह के प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। सुरेश रैना ने कहा कि अभी भी वो सोचते हैं कि उनको विश्व कप में जगह जरूर मिल जाएगी, वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलना उनके लिए गर्व की बात है और इस बार एक बार फिर उनकी पूरी टीम वर्ल्ड कप से पहले आईपीएल जीतने का प्रयास करेगी। अब देखना होगा कि क्या सुरेश रैना को मौका मिलता है विश्व कप की टीम में। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाने वाले स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ गई है। जी हां, आपको बता दें कि युवराज सिंह ने अपने आलोचकों को जवाब देते हुए आईपीएल से ठीक पहले 53 गेंदों में 80 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली। बता दें आपको कि युवराज सिंह ने अपनी इस पारी में 3 छक्के और 4 शानदार चौके जड़े, जिसके दम पर उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई। आपको बता दें कि युवराज सिंह इन दिनों डीवाई पाटिल टूर्नामेंट T20 खेल रहे हैं जो साल 2019 में पहली बार खेला जा रहा है। इससे पहले 2018 में खेला गया था, ये चौथा सीजन है। और जो खबर आ रही है वो ये है कि 53 गेंदों में युवराज सिंह ने 80 रनों की जानदार पारी खेली है। आपको बता दें कि युवराज सिंह काफ़ी समय से विश्व कप की टीम में वापसी की कोशिश कर रहे हैं, टीम इंडिया में वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कई लोगों ने कहा कि युवराज सिंह का गेम अब खत्म हो चुका है, अब युवराज सिंह का करियर खत्म हो चुका है, लेकिन युवराज ने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है। युवराज सिंह फिलहाल इस साल मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे। मुंबई इंडियंस ने ऑक्शंस के दौरान उन्हें उनकी बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए में खरीदा और युवराज सिंह काफी ज्यादा खुश नजर आए। उन्होंने कहा था कि पलटन अब आएगा मजा, इस बार युवराज सिंह मजा दिलाने के लिए तैयार हैं। एक हाई वोल्टेज मुकाबला भी देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले युवराज ने एक ट्रेलर तो दिखाई दिया है आने वाली फिल्म का। अब देखना होगा कि आईपीएल की पिक्चर किस तरह से युवराज सिंह सुपरहिट बनाते हैं और क्या उन्हें विश्व कप 2019 का। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक बेहतरीन वनडे सीरीज खेली जा रही है, जहां पर टीम इंडिया बे ओवल पहुंच गई है और यहां दूसरा और तीसरा वनडे खेला जा रहा है। बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम का बे ओवल पहुंचने से पहले शानदार स्वागत हुआ। मैदान से पहले ही ट्रेडिशनल अवतार में वहां के कुछ लोग नजर आए और उसके बाद रोहित शर्मा के साथ जमकर मस्ती की। सिर्फ रोहित शर्मा ही नहीं बल्कि पूरी टीम इंडिया के साथ ये लोग मस्ती करते हुए नजर आए। रोहित शर्मा तो इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए कि वो खुद भी इनके साथ मस्ती मजाक में जुट गए। खैर, भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी दोस्ती तो देखने को मिलती है, लेकिन इस बार खिलाड़ियों के लिए एक स्पेशल इंतजाम भी किया गया। जिस तरह से टीम इंडिया का ग्रैंड वेलकम हुआ वो वाकई दर्शाता है कि न्यूजीलैंड में भारतीय खिलाड़ियों को और भारतीय टीम को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। बस यही प्यार तो इस गेम को जेंटलमैन्स गेम बनाता है। अब देखना होगा कि इस सीरीज में जीत किसकी होती है। तो देखा आपने, आज की 5 बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। उम्मीद करते हैं कि हमारी खबरें जरूर पसंद आई होंगी। मैच अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचती रहेंगी। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।